अपने शब्दों में जिस दिन आपने कंट्रोल कर लिया, मुझे क्या बोलना है, ज्यादा मत ध्यान दो, मुझे क्या बोलना है, क्यों बोलना है, कब बोलना है, ध्यान रखना क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब। ठीक है, क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब, आपने पढ़ाई भी की होगी, क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब आपको बताया गया, Why, where, when, who, ये जो आपको जो फाइव वर्ड्स जो बताए गए हैं इनका ही ध्यान रख लो। मुझे क्या बोलना है, कब बोलना है, किससे बोलना है, कैसे बोलना है और कहां बोलना है। अगर ये जिस दिन आपने ध्यान रख लिया दोस्तों, मैं गारंटी के साथ चैलेंज देता हूं आपको, उसी दिन से एक पल के साथ में आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आ जाएगा और सक्सेस आपका उसी दिन से इंतजार करने लगेगी दोस्तों। केवल एक ही मूल मंत्र ये कि अपने शब्दों पर ध्यान दे लो। आजकल झगड़े केवल शब्दों की वजह से हो रहे हैं। अगर विश्वास नहीं आ रहा तो रोड पर जाकर के एक व्यक्ति को ऐसे बोला, ओ सुन, ऐसे चुटकी बजा के बोला, ओ सुन, आगे बताया वो सुनेगा नहीं, आपको सुनाएगा। आप बोलोगे उसे ए सुन, वो बोलेगा आप सुन, बोलेगा नहीं बोलेगा। आप उससे यही बात बोलनी है, आपको बोलना है भैया जी सुनिए प्लीज, तो पता है वो क्या बोलेगा, भैया जी प्लीज सुनाइए, बोलेगा नहीं बोलेगा। अरे भैया, एक डॉगी होता है, कुत्ता होता है, कुत्ते की पूंछ पर अगर आप पैर रख दोगे तो वो क्या करेगा, काटेगा या भौंकेगा, क्योंकि वो भौंकने या काटने के लिए ही प्रकृति ने बनाया है। और आजकल अगर किसी भीड़ में जाकर के किसी आदमी से अगर आप गलती से टकरा भी गए ना तो वो भी कई बार काट देता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं शब्दों का प्रयोग करना है। थैंक यू बोल सकते हो, धन्यवाद बोल सकते हो, शुक्रिया बोल सकते हो, देयर आर लॉट ऑफ द वर्ड्स टू स्पीक फ्रंट ऑफ द पीपल। इफ यू वॉन्ट क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी, योर ओन इमेज, जस्ट यू हैव टू यूज रियल वर्ड्स। इस दुनिया में जितने भी लोग महान हुए हैं उन्होंने अपने शब्दों में बदलाव लेकर के आए, उसी दिन से उनकी जिंदगी में बदलाव ऐसा आया कि आज वो महान लोग। जितना छोटा आदमी होगा उतना ही अटपटा बोलेगा, और जितना बड़ा आदमी बोलेगा उतना सिंपल, साधारण और आसान तरीके से बोलेगा, आपसे मोहब्बत से बोलेगा।